हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपने गांव की वोटर लिस्ट कैसे देखें। पूरा फुल डिटेल बताने वाला हूँ, एक एक स्टेप बताऊंगा कैसे आप देख सकते हैं। अब आप कहाँ वोटर डालने जाते हैं वहाँ पे आपको पूरा फुल डिटेल बताऊंगा। या अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलो दोस्तों, सब चलते हैं हम गूगल पे और यहाँ टाइप करते हैं वोटर लिस्ट यूपी। आप किसी भी स्टेट को वोटर लिस्ट, बिहार को तो बिहार डालना, गुजरात को गुजरात डालना, जो भी हो वहाँ पे डाल के इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। पहले वाले इंटरफेस पे लॉगिन कर देना है, यहाँ अपना स्टेट चुन लेना है। जैसे मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे प्रयागराज सेलेक्ट कर लूँगा। फिर आएगा, फिर दूसरा आएगा जिला। आप किस जोन में आते हैं वहाँ पे हम वेस्ट चुन लिए हैं, इसको सर्च कर देंगे। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप कहाँ कहाँ, आपके यहाँ एरिया में कहाँ कहाँ वोट पड़ता है, आप किस विद्यालय पर, वही सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और इस कैप्चर को सही से भरना है। जब तक इसको सही से नहीं भर पाएंगे आप, ये तब तक वीव खुलेगा नहीं, डाउनलोड नहीं होगा। चलो दोस्तों, हम चलते हैं इस कैप्चर को भर लेते हैं। जैसे लिखा है DO कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल है तो स्मॉल में, इसको भर के वे क्लिक कर देना है। देखो दोस्तों, गलत हो गया कैप्चर, अब नहीं खुला। फिर दोबारा हम इसको भरेंगे। जैसे यहाँ जो चीज़ जैसे लिखा है उसको उसी प्रकार से भरना है। जैसे स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में, जो नंबर थे नंबर भरो, इस पूरा भर के अब क्लिक कर देना है। देखो PDF डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। अब इस प्रकार आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। व्यू करके भी देख सकते, डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। अब देखो, आप मैं PDF डाउनलोड कर लिया। अब PDF डाउनलोड करने में कुछ समय लगता है। अभी देखो, पूरा PDF डाउनलोड नहीं हुआ है, कुछ ही डाउनलोड हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं अपना जिला का नाम। अब आप कहाँ वोट डालने जाते हैं, अभी डाउनलोड हो रहा है दोस्तों। जब तक ये डाउनलोड होगा तब तक कुछ समय लगता है डाउनलोड होने में, एक एक सेकेंड 2 सेकेंड लगता है डाउनलोड होने में, क्योंकि बड़ा होता है, 4-5 पेज का होता है, इसलिए थोड़ा समय लगता है दोस्तों। कुछ समय लगने के बाद, डाउनलोड होने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। देखो डाउनलोड हो गया। आप किसी भी अपने गांव के सदस्य का यहाँ वोटर लिस्ट में नाम देख सकते हैं, किसका नहीं है। आप यहाँ पे आकर जोड़ भी सकते हैं। आगे आपको देखना बताते हैं आप अपने गांव में किस व्यक्ति की इस लिस्ट में नाम है कि नहीं है। आप देख कर उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि आपका नहीं है तो अपना जा के जुड़वा सकता है। यहाँ पे किसी भी सदस्य का आप देख सकते हैं, चाहे जो भी व्यक्ति हो। इस प्रकार डाउनलोड जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दोस्तों में